सब्सक्राइब कीजिए दिनेश कुमार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, घर बैठे पैसे कमाने की जानकारी सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सीख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इथेरियम क्लासिक के बारे में, यानी कि ETC के बारे में। दोस्तों इथेरियम क्लासिक के हार्ड फोर्क के बारे में बातचीत करेंगे और इसके कई सारे इवेंट आने वाले हैं। उन सब इवेंट के बारे में भी स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे और बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप इथेरियम क्लासिक के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड बेहतर है या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड बेहतर है। और दोस्तों बात करेंगे इसका फ्यूचर क्या हो सकता है और इसका प्राइस कितना हाई जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों इथेरियम क्लासिक के कई सारे इवेंट आने वाले हैं और काफी ज्यादा इनकी टीम जो है एक्टिव लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 24 मई 2018 को इनका हार्ड फोर्क रिलीज हो रहा है और इस हार्ड फोर्क का जो इन्होंने पर्पस बताया है वो बताया है डिफिकल्टी बम को रिमूव करना। और इसकी जो डेट इन्होंने बताई है दोस्तों वो बताई है 24 मई, यानी कि 24 मई को किसी भी समय इसका हार्ड फोर्क जो है कंप्लीट हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि जब हार्ड फोर्क होता है तो 1:1 के रेशियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, यानी कि दूसरे कॉइन मिलते हैं। तो इस हार्ड फोर्क के दौरान दोस्तों आपको कोई भी दूसरा कॉइन नहीं मिलेगा। इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि जो डिफिकल्टी बम है उसको रिमूव कर दें। दूसरे इवेंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो दूसरा इवेंट आ रहा है 31 मई 2018 को। इसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप इन्होंने यहाँ पर जानकारी दे रखी है। लेकिन दोस्तों अगर हम बड़े इवेंट की बात करें जो सेम डे पे हो रहा है, यानी कि 31 मई 2018 को हो रहा है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लिखा है राइडेक्स लॉन्च ऑन ETC। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बड़ा इजीली बताया है कि इनका एक एक्सचेंज लॉन्च होने वाला है जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा और लॉन्च होगा दोस्तों इथेरियम क्लासिक के ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि इथेरियम क्लासिक के ब्लॉकचेन को यूज करेगा जो कि ये नया डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इनका आने वाला है। तो दोस्तों जैसे ये एक्सचेंज लॉन्च होगा जो कि इथेरियम क्लासिक की ब्लॉकचेन को यूज करके होगा, तो इसके प्राइस में काफी ज्यादा हलचल आपको देखने को मिल सकती है। इसका प्राइस काफी ज्यादा हाई जा सकता है। नेक्स्ट इवेंट की बात करें दोस्तों तो 30 जून 2018 को इनका नेक्स्ट इवेंट आ रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं बताया है रिलीज कर रहे हैं मोबाइल वॉलेट को। दोस्तों ये भी एक बड़ा इवेंट हो सकता है, लेकिन नीचे जाएंगे तो और भी कई सारे इवेंट के बारे में इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 13 जुलाई 2018 को एक और बड़ा इवेंट इनका आने वाला है जो हो रहा है हार्ड फोर्क, यानी कि दोबारा से इनका हार्ड फोर्क होगा दोस्तों और ब्लॉक हाइट यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, इस ब्लॉक हाइट के ऊपर इनका हार्ड फोर्क कंप्लीट हो जाएगा और इसका बेनिफिट दोस्तों आपको 1:1 के रेशियो से मिलेगा। नए जो कॉइन आएंगे वो आएंगे ETE नाम से और जितने आपके पास इथेरियम क्लासिक होंगे उतने ही आपको ETE कॉइन मिल जाएंगे। अब दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि कौन कौन से एक्सचेंज इसको सपोर्ट करेंगे। जैसे ही कोई न्यूज आएगी हम आपके साथ जो है जरूर शेयर करेंगे। अगला इवेंट दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 31 जुलाई 2018 को हो रहा है, जो कि साइड चेन वगैरह इनका लॉन्च हो रहा है, यानी कि रिलीज हो रहा है। और भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों GIT कम्पिलेशन है 31 अगस्त 2018 को और 12 सितंबर 2018 को दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड एनुअल समिट होने वाली है इनकी, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात होगी और प्राइस में जो है आपको काफी ज्यादा उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगले इवेंट की बात करें दोस्तों तो और भी इवेंट इनके आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 नवंबर 2018 को भी इनका इवेंट आ रहा है और 31 दिसंबर 2018 को भी इनका इवेंट आने वाला है जो कि अपग्रेड कर रहे हैं EVM। तो दोस्तों इवेंट को अगर हम देखें तो पूरा का पूरा साल इनका बुक है। पूरे साल के अंदर इनके कई सारे इवेंट जो है होने वाले हैं 2018 के दिसंबर लास्ट तक। अब दोस्तों अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेड भी कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है इसके इवेंट का। जब जब भी दोस्तों इसके इवेंट करीब आते चले जाए आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं और इवेंट के टाइम आने से पहले आप इसके अंदर से एग्जिट हो सकते हैं, तो इस तरीके से आप इससे काफी ज्यादा बेनिफिट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए बहुत अच्छा कॉइन है इथेरियम क्लासिक के साथ, आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, काफी अच्छा बेनिफिट आपको इससे मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फीचर और इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसका फीचर काफी ज्यादा ब्राइट है। अगर रैंक की बात करें दोस्तों तो टॉप 20 के अंदर ये रैंक करता है और आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके चार्ट को देख करके समझ पाएंगे कि इसका प्राइस में जो है कितनी ज्यादा हलचल आपको देखने को मिल सकती है और कितना ज्यादा बेनिफिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहां पर देखें स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में इसका प्राइस काफी ज्यादा कम था। यहां पर आप देख सकते हैं कि $2 से जो है ये स्टार्ट हुआ था,
$2.25 से इसका स्टार्टिंग प्राइस था और बिटकॉइन की फॉर्म में भी इसका रेट जो है काफी कम था। लेकिन दोस्तों थोड़े समय बाद इसका प्राइस जो है काफी हाई चला गया था और बिटकॉइन की फॉर्म में भी काफी हाई था और डॉलर की फॉर्म में तो काफी ज्यादा हाई पहुंच गया था। पर दोस्तों अभी की बात करें तो बिटकॉइन और डॉलर की फॉर्म में काफी नीचे है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2018 की लास्ट तक ये काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है और अपने ऑल टाइम हाई को जो है ब्रेक कर सकता है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है कि अपने ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक करेगा तो आपको 2x 3x जो है बड़ी आसानी से इससे मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 4x भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि इथेरियम क्लासिक बहुत अच्छा कॉइन है। इन शॉर्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो $50 से लेकर के $100 तक इसका प्राइस 2018 की लास्ट तक हो सकता है। बाकी दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। अगर आप इस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका लॉस भी हो सकता है। अगर आपका लॉस होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, आपके लॉस की जिम्मेदारी हम या हमारा यूट्यूब चैनल आपसे नहीं लेता है। तो दोस्तों यह था छोटा सा रिव्यू इथेरियम क्लासिक के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर आपके इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन क्वेरीज या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनसे रिलेटिव भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ।